बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। ईद के सेकंड डे का मेन्यू लेकर आज हम हाजिर हुए हैं, जिसमें बहुत ही डिफरेंट रेसिपीज़ हैं। ड्रम स्टिक्स हैं और एक होममेड केक है जो विदाउट ओवन हम बनाएंगे, और बहुत कम और आसान इंग्रेडिएंट्स होंगे इसके। कम बजट में ये केक बनेगा जो कि आपको बहुत पसंद आने वाला है। तो जल्दी से भी व्लॉग को शुरू करते हैं और रेसिपीज़ देखते हैं कि सेकेंड डे मेन्यू में हमने कौन सी रेसिपीज़ रखी हैं। और वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, फुल वॉच करना है। और जो मेरे चैनल पर नए हैं वो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर दें। सबसे पहले हम यहाँ पे केक की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ मैंने 3 अंडे लिए हैं, इनको मैं हल्का सा बीट कर लूँगी। इसको आप हैंड बीटर से भी बीट कर सकते हैं, तो मेरे पास मशीन थी तो फिर इसका मैंने कहा चलो इसका फ़ायदा उठा लेते हैं। तो बस मैंने इसको हल्का सा बीट किया है, तकरीबन 10 सेकेंड जस्ट मैंने इसको बीट किया है। ओवर बीट नहीं हमने इसको करना। साथ ही मैंने इसमें दूध ऐड कर दिया है 1/4 कप, और ऑयल इसमें मैंने शामिल किया है 1/2 कप। इसको भी बस हम बीट करेंगे 5 से 10 सेकंड जस्ट। अब हम इसमें चीनी ऐड कर देंगे 1 कप पिसी हुई चीनी, और वनीला एसेंस ऐड किया मैंने इसमें। आपके पास पाउडर में है तो 1 पिंच ऐड कर दें, और अगर आपके पास लिक्विड में है तो फिर 1 ड्रॉप ऐड कर दें। बेकिंग पाउडर मैंने इसमें ऐड किया था 1 टीस्पून, और ये मैंने जो है केक कैंडी बिस्किट इसके मैंने 2 पैकेट्स लेकर इसको अच्छे से पाउडर बना लिया है, और ये ऐड कर दिया इसमें, और लास्ट में 1 कप मैदा ऐड कर दिया इसमें। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बस हमें ऐसे मिक्स करना है कि बस कोई लम्स ना रहे और अच्छे से मिक्स हो जाए। ये मैंने ट्रे लिया, बेकिंग ट्रे। ये जो मैं केक बना रही हूँ इस वाली ट्रे में ज़्यादा अच्छा बनता है, मतलब इससे लुक निकल आती है इसकी एक। लेकिन आप आम ट्रे या अपने जो भी आपके पास पैन है उसमें भी बना सकते हैं। तो मैं इस वाले में इसको बना रही हूँ, तो इस शेप में ये बहुत मज़े का बनता है। मिक्सचर हमारा तैयार हो गया है, बस हम इसको ट्रेस में डाल देंगे। ये मिक्सचर जो मैंने बनाया था ये 2 केक का था, एक उसमें बड़ा केक तैयार हुआ है और एक छोटा। मैंने इसे पतीला रखा, उसके अंदर मैंने एक स्टैंड रखा। अगर आपके पास स्टैंड नहीं है तो आप चूल्हे के ऊपर जो स्टैंड होता है उसके ऊपर उतार लें और वो अंदर रख लें, और जस्ट 15 मिनट में ये 10 से 15 मिनट में ये तैयार हो जाता है। मीडियम से लो पर मैंने इसको बेक किया था, बस ऊपर से इसका कोई कलर नहीं आता, ये बेक हो जाता है। तो बस हमने इसको निकाल लेना है, और हमने और इस 2 पैकेट कैंडी बिस्किट के और लेने हैं। फिर इसको ऐसे पाउडर सा हमने बना लेना है और इसको एक बाउल में निकाल लेना है। इसमें हम 1 कप या 1 पैकेट कह लें ओलपर्स का, या जो भी लीव क्रीम जो भी आपके पास है सिंपल, वो इसमें मैंने 2 पैकेट ऐड किए थे। तो आप एक भी ऐड कर सकते हैं, देख लें आपकी मर्ज़ी है। घर से आपने ऐड करनी है क्रीम जो ताज़ी होती है वो ऐड कर लें। चीनी हम इसमें 1/2 कप ऐड करेंगे, और एक हम मिक्सचर सा बना लेंगे इसकी टॉपिंग के लिए, बिस्किट क्रीम और चीनी डालकर, ठीक है। तो बस ये ऊपर वाले जो ले जो इसका जो बच गया है ना ऊपर, ये एक बाउल सा बन गया है। इसमें हम ये जो हमने बनाई है ना इसकी टॉपिंग, वो इसमें हम ऐड कर देंगे। बहुत आसान से ये केक्स है। अगर आपके पास ये वाली ट्रे हैं तो बहुत ईजीली आपके ये वाले बनने वाले हैं। और ऊपर मैंने बस इसको चॉकलेट से डेरी मिल्क से ना ऐसे डालकर उसको टूथपिक से ऐसे ऊपर नीचे कर दिया था, तो अच्छा सा डिज़ाइन बन गया था। तो बहुत मज़े के केक हैं ये, ईद पर आप बनाएं तो बहुत पसंद आएंगे घर वालों को और आपको। इसको आपने फुल ठंडा करना है, इसको आप फ्रिज में रखें और अच्छे से इसको जमने दें, फिर आप इसको खाएं। बहुत अच्छा लगता है ठंडा ठंडा, बहुत मज़े का लगता है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट रेसिपी की तरफ, जो कि खमीरा नान कह लें जिसको, ये वो है। और ये बहुत मज़े का बनता है घर में कढ़ाई के साथ, तो ख़ासतौर पर ईद पर आप इसको ज़रूर ट्राई करें। यहाँ पर मैंने मैदा लिया है 2 कप, नमक ऐड कर देंगे इसमें 1/2 टीस्पून या टेबल स्पून, जायके के हिसाब से चीनी ऐड करेंगे 1/2 टेबल स्पून, बेकिंग पाउडर इसमें ऐड करेंगे 1/2 टेबल स्पून, और हम इसमें दही ऐड करेंगे 3 टेबल स्पून, जो ये खमीर का काम करेगा। इसमें मैंने गार्लिक डाला है थोड़ा सा चॉप करके 1 टेबल स्पून, 4 टेबल स्पून ही हम इसमें ऑयल डालेंगे। पहले हम इसको स्पैचुला से या चम्मच से अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और बाद में फिर हम इसको हाथों की मदद से गूंदेंगे। अब नीम गर्म दूध ले लें थोड़ा सा, वो आहिस्ता आहिस्ता हम इसमें डालते जाएं। ज़्यादा आपने इसको पतला नहीं करना, थोड़ा सा गाढ़ा ही मतलब रखना है, ताकि हाथ की मदद से जब इसको गूँधें तो ज़्यादा चिपचिपा ना हो। तो बस ऐसे आपने अच्छे से इसको एक डो सी बना लेनी है गूँध कर। अच्छे से मुखियाँ शुखियाँ मार के इसको अच्छे से आप गूँध लें।
जितना अच्छा आप आटा गूंदेंगे उतने अच्छे नान बनेंगे। बस आखिर में ऐसे एक पेड़ा सा बना कर नीचे ऑयलिंग लगा दें, अच्छे से ऑयल लगा दें बाउल पर, और ऊपर भी इसके ऑयल लगा कर इसको आप छोड़ दें 1-2 घंटे के लिए। ये हमारा देखिए थोड़ा सा फूल गया और नरम भी हो गया, बहुत सॉफ्ट सा। अब हम इसके पेड़े कर लेते हैं। पेड़े करके हम एक दफ़े सारे रख लेंगे ताकि वो उतर जाएं और आसानी से जो नान है वो मज़े के बने। दो कप से मेरे जो है 5 ये बने हैं नान, क्योंकि हमने नान को थोड़ा मोटा रखना है। बस हम इसको अच्छे से मैदे की मदद से ऊपर नीचे से अच्छे से इसको हम बेल लेंगे। इसके ऊपर हम फ्रेश धनिया और कोरिएंडर जो है चॉप करके वो ऐड करेंगे, थोड़ी सी कलवंजी ऐड करेंगे तो उसकी लुक भी बहुत प्यारी आएगी और बहुत मज़े का ऊपर से टेस्ट भी आएगा। तो बस हमने तवे को है जो गर्म कर लेना है और इसके ऊपर इसको हम फैला देंगे और लो हीट पर हम इसको कुक करेंगे ताकि जो है अच्छे से फूल जाए। इस तरह तवा उल्टा करके भी आप इसको सेक सकते हैं, ऊपर वाली साइड को, नीचे वाली साइड तो कुक हो रही है, ऊपर वाली साइड को हम इस तरह मतलब आँच को मीडियम करके तो हम इसे सेक लेंगे ताकि ऊपर से भी प्यारा सा कलर आ जाए। थोड़ा सा मुश्किल होता है, अक्सर पे चिपक जाता है और अक्सर पे नहीं फिर वो चिपकता और इस तरह वो गिर भी जाता है। तो बस आप कोशिश करके जैसे बनते हैं तो अच्छे से बना लें, लेकिन अच्छे बन जाते हैं। आप नॉन स्टिक पर बनाइएगा तो ये देखें अच्छे से इसकी लुक आ गई है, प्यारा सा बन गया, ये सॉफ्ट और क्रंची सा है मिक्स। तो इसके ऊपर आप बटर लगाएं और फिर गर्म गर्म इसको सर्व करें, टेस्ट में भी बहुत मज़े का है तो इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। साथ आप इसके कढ़ाई बनाएं चिकन की, मीट की या बीफ की, जो आपको पसंद है। नान तो हमारे तैयार हो गए हैं मज़े के बटर वाले, तो साथ हम इसके अब शनिवारी कढ़ाई भी बना लेते हैं। तो यहाँ मैं आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ शनिवारी कढ़ाई, ये आप ईद पे बनाएं और बहुत मज़े की बनती है, और साथ ही रोटियाँ बनाएं, बहुत इजी तरीके से हम इसको बनाएंगे। इसके लिए आप चिकन जो भी आप जिसमें बनानी है या मीट में या बीफ में वो ले लें। मैंने यहाँ पे चिकन लिया है, 1.5 किलो चिकन है ये, थोड़ा मोटा चिकन लेना है हमें इसमें। और इसमें ऑयल तो जो है वो डबल डलेगा, जितना हम एक कढ़ाई में डालते हैं इसमें डबल कढ़ाई जितना ऑयल डलेगा, लेकिन एंड पे हम उसको निकाल लेंगे। लेकिन शनिवारी कढ़ाई की जो असल रेसिपी है वो ज़्यादा ऑयल में ही है या घी में। इसमें मैंने घी और ऑयल मिक्स कर लिया था, हाफ़ घी है और हाफ़ ऑयल है। इसमें हम चिकन को डालेंगे और तेज़ आँच पे हमने इसको भूनना है, 10 से 12 मिनट हमने इसको अच्छे से भूनना है ताकि इसका जो चिकन का कलर है वो अच्छे से चेंज हो जाए। ज़्यादा ऑयल की वजह से ये जो चिकन है बहुत ही सॉफ्ट और बनेगा और अंदर से भी अच्छे से कुक हो जाएगा। तो हमने जब इसको भूनना है तो इसमें हमने नमक ज़रूर ऐड कर लेना है ताकि जो नमक है वो इसके अच्छे चिकन के अंदर तक चला जाए भुनाई करते हुए। और ये देखिए इसका कलर बिल्कुल चेंज हो गया है, ऑयल का कह दिया जी चिकन का। अब हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे साबुत, इसे मैंने 8 टमाटर बड़े वो ऐड कर दिए हैं। बस हमने इसको थोड़ा सा हिलाना है 3 से 4 मिनट और फिर हमने इसको ढक देना है ताकि जो ये टमाटर हैं वो अच्छे से गल जाएँ। और बस जब हम इसका ढक्कन उठाएंगे तो ये बहुत नरम हो चुके होंगे और इसका जो छिलका है वो हम ऐसे चिमटे की मदद से हम उसको निकाल देंगे सारे छिलकों को। जैसे ही हम सारे छिलकों को निकाल देंगे तो लोई की मदद से जब हम जो है ये टमाटर हैं ये अच्छे से इसका जो है मतलब वो गूदा जो होता है वो अच्छे से निकल जाएगा। तो हमने इसके ऊपर जो है वो उसका मारना है लोई को, तो सारे नरम हुए होंगे तो पेस्ट उनका बन जाएगा अंदर ही। बस साथ साथ हमने इसको भूनते रहना है, साथ साथ हमने जो घर के मसाले होते हैं लाल मिर्च, धनिया पाउडर, ज़ीरा, काली मिर्च, हल्दी और दादरी लाल मिर्च थोड़ी सी वो ऐड करेंगे। घर वाले सारे मसाले हैं बस वही हमने सारे इसमें ऐड करने हैं, कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं अपने हिसाब से। और बस हमने साथ साथ इसको भूनते जाना है और टमाटर को भी ऐसे हमने डोई मारते जाना है ताकि वो भी अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। थोड़ा सा नमक हम और ऐड करेंगे, शुरू में हमने थोड़ा सा कम ऐड किया था, गार्लिक पेस्ट हम इसमें ऐड कर लेंगे। इसमें मैंने एंड पे एक एक्स्ट्रा टिप ऐड की थी अपनी तरफ से, वो भी आप इसमें कर सकते हैं। ये देखिए कितना सारा ऑयल इसमें से निकाल लिया मैंने, बहुत अब खुश्क हो गया ये। अब अगर इस पॉइंट पे अगर आपको लगे ये बहुत खुश्क है और आपको
ज़्यादा इसमें ग्रेवी चाहिए तो आप इसमें क्या करें, आधा कप दूध और आधा कप दही मिक्स करके वो ऐड कर लें, या आधा कप दही और आधा कप दूध जो आपको अच्छा लगे वो इसमें मिक्स करके, जो आपको आसान लगे, जो आपके पास अवेलेबल हो वो ऐड कर दें। मैंने इसमें दही और दूध मिक्स करके वो ऐड कर दिया था, तो इसकी थोड़ी ग्रेवी है वो बन गई थी। तो जो लोग ग्रेवी पसंद करते हैं तो वो इस टिप को इस्तेमाल करें, तो इससे भी एक्स्ट्रा फ्लेवर आ जाता है इसमें चिकन में और बहुत मज़े का लगता है। तो अब हम इसको सर्व करते हैं, जैसे ऑयल आ जाएगा ऊपर। तो ये देखें ग्रेवी वाली हमारी जो है चिकन छनवारी कढ़ाई तैयार हो गई है, बहुत ही मज़े की। ज़रूर इसको इस पर ट्राई करें और बनाएं और इंजॉय करें अपने घर वालों के साथ। धनिया हरी मिर्चों के साथ इसको सर्व करें, लेमन के साथ, अदरक के साथ। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पे हम बना रहे हैं बीफ का पुलाव, क्योंकि पुलाव ना हो तो फिर दस्तरखान में रौनक नहीं रहती, चावलों से तो रौनक आती है। तो यहाँ पे मैंने 1 कप ऑयल ले लिया है और इसमें पहले मैं सारे जो साबित गरम मसाले हैं वो ऐड कर दूँगी, दालचीनी, बड़ी इलायची, लौंग, ज़ीरा। तो इसको पहले हम ऐड कर लेंगे और छोटी इलायची भी डाल लेंगे। साथ ही मैंने एक बड़ा प्याज काट कर इसमें ऐड कर दिया है और इसको हम भून लेंगे। जैसे इसका जो कलर है प्याज का वो चेंज होगा तो फिर हम इसमें गोश्त ऐड कर देंगे और इसका हम एक पेस्ट बना लेते हैं हरी मिर्चों का और लहसुन का, जो हमने चावलों में ऐड करना है। मिर्ची मैंने थोड़ी ज़्यादा ली हैं ताकि इसमें जो बाकी स्पाइसेस हैं वो कम डलें, तो इसलिए मैंने इसमें हरी मिर्चें ज़्यादा ली हैं। और इसमें हम सौंफ ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून, तो इससे जो फ्लेवर है पुलाव का वो बहुत मज़े का आता है सौंफ से। सौंफ मेन इंग्रेडिएंट होता है पुलाव का, तो जब आप पुलाव बनाएं चिकन का या गोश्त का तो उसमें सौंफ ज़रूर ऐड करें। तो बड़ी इलायची मैंने इसमें ऐड की है, एक छोटी इलायची, और इसका हम अब पाउडर वो बना लेंगे पेस्ट। प्याज हमारे ब्राउन हो गए हैं, अब हम इसमें गोश्त ऐड कर देंगे और इसको भूनते जाएंगे अच्छे से। ये यखनी वाला पुलाव हम तैयार कर रहे हैं, पहले हम इसकी यखनी बनाएंगे अच्छे से भूनकर और फिर हम इसमें चावल ऐड करेंगे। बस गोश्त भून रहा है तो साथ साथ इसमें जो हमने अभी मसाले थे वो हम इसको पीस कर वो ऐड कर दिए हैं, हरी मिर्चें, लहसुन, सौंफ, और साथ ही जितना नमक इसमें जाएगा चावलों में उसके हिसाब से हम सारा नमक डाल देंगे। धनिया पाउडर ऐड किया है इसमें, दालचीनी, लाल मिर्च ऐड की है ताकि थोड़ा सा स्पाइसी सा फ्लेवर आए इसमें। काली मिर्च ऐड करेंगे इसमें 1 से 1/2 टीस्पून। अब दोबारा से हम इसको अच्छे से भूनेंगे इन मसालों के साथ। गोश्त हमारा अच्छे से बन गया है, भून गया अच्छे से, मसाले भी सारे ऐड हो गए हैं। अब हम इसमें पानी डालकर इसको हम पका लेंगे ताकि गोश्त जो है हमारा अच्छे से गल जाए। हमने इसको अच्छे से कुक करना है, फुल जैसे होता है ना कि हाथ लगाते टूट जाए, क्योंकि गोश्त वाले चावलों में मज़ा ही तब आता है जब वो इतना गला हुआ हो कि वो हाथ लगाते टूट जाए। तो बस जो है गोश्त हमारा गल रहा है, तब तक हम ये गाजर जो है इसको फ्राई कर लेते हैं। इसको हम चावलों में एंड पर डालेंगे, जैसे बुखारी राइस में डलते हैं तो लुक वाइज ये बुखारी राइस ही लगेंगे, लेकिन उसमें ज़रा गर्म मसाले ज़्यादा होते हैं बुखारी में। तो ये हमने पुलाव बनाया है लेकिन इसमें टच हमने ऐसे गाजरों का दिया है, तो इससे जो है लुक भी बहुत प्यारी आती है। और एंड पर जब हम दम देंगे चावलों को तो तब आप उस टाइम पर जो हरी मिर्चें और टमाटर बारीक बारीक करके ऐड कीजिएगा, तो इससे चावलों की लुक भी बहुत प्यारी आती है, बहुत प्यारे लगते हैं देखने में भी जब टमाटर अच्छे नज़र आ रहे हों, हरी मिर्चें नज़र आ रही हों। तो बस चावलों दम पे रखने से पहले जब तक वो पक रहे हैं तो तब तक हम ज़रा रायता तैयार करेंगे जो गोश्त वाले चावलों के साथ बहुत अच्छा लगता है। यहाँ मैंने दही लिया है, इसे मैंने थोड़ा सा सिरका, 2 टेबल स्पून नमक, काली मिर्च और खीरा जो है वो चॉप करके अच्छे से, या कद्दूकश करके कहते हैं जिसको, हाँ कद्दूकश करके वो ऐड कर दिया इसमें। तो ये जो है चटनी जो बहुत मज़े की लगती है गोश्त के साथ, तो ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखें कितने प्यारे लग रहे हैं चावल। बस अब इसका लास्ट दम है, तब हम इसमें ये गाजर ऐड कर देंगे
ताकि जो ओवर कुक ना हो, खड़ी खड़ी ही रहें। बस ये दम दे दिया हमने गोश्त को और बहुत ही मज़े के जो चावल हैं वो तैयार हो गए हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियोस आपको बहुत पसंद आई होंगी रेसिपीज़, तो इसको ट्राई कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। इसी के साथ मैं ज़्यादा चाहूँगी फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।